ये हो रहा है गाड़ी खाली और जो बैठन का भाड़ा लगा था वो मुझे लगा था। पहुंच चुके हैं घाट पिंडारी और तो भाई देखो मैं आ गया हूँ बैठन। महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु जो है मैं जा रहा हूँ फिर से लोडिंग पे और मैं अपने घर के पास ही पे हूँ। अभी घर से जस्ट निकला हूँ और लोडिंग करने भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, लोडिंग करने जाना है मुझे यहीं हमारे यहाँ लाहौर मार्केट के पास ही एक धान की छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें धान के बीज बनते हैं, तो वही लोड करूँगा। लोड करके कहाँ जाना है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आगे वीडियो में मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो आप लोगों के साथ शुरू करते हैं और निकलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ सफ़र में, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे बताएंगे, मिलते हैं आगे। तो गुरु मैं पहुंचने वाला हूं लोडिंग पॉइंट पे और सामने ही है अपना लोडिंग पॉइंट, ये दिखाता हूं आपको। बस ये आ गए अपने लोडिंग पॉइंट पे, यहां से मुझे लोड करके जो है वो निकलना है। एक गाड़ी और आ रही है, दो गाड़ी है, तो एक गाड़ी हमारे बगल में है रामाश्रेविया का, उनका है तो अजय चला रहा है फिलहाल उसको, तो वो वाली गाड़ी है। दूसरी मेरी है, मतलब पहले मैं आया हूँ, अभी वो खाना वाना खा रहा है फिर आएगा बोला है, तो चलता हूँ पहले अंदर उनको बोलता हूँ कि गाड़ी आ गई, फिर मिलता हूँ आप सभी से। ये आ गए अंदर लोडिंग पॉइंट पे, ये गाड़ी अपनी हो रही है लोड और ये है पूरी फैक्ट्री जहाँ पे धान का बीज बनता है, जैसे कलरिंग हो गया, नॉर्मल धान ही रहता है उस पर कलर करके उसको सारी चीज़ें की जाती हैं। और उसके बाद फाइनली जो है अपनी गाड़ी हो गई लोड और लोड करके मैं निकल गया हूँ। अब चल रहा हूँ घर, सुबह से नहाया नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है बीडीएम भाई के पास था, तो वहाँ से आया। अब चल रहा हूँ नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद जो है अब पार्टी का नंबर वंबर मिलेगा। अभी तो मैं बिना बिल विल लिए निकल गया हूँ, घर चल रहा हूँ, बिल बना के लेके आ रहा है तो फिर चलूँगा। तो अपना मस्त जो है घर चल के वो हॉर्न दे रहा है, मेरी एक गलती थी कि मैंने इंडिकेटर नहीं जलाया, तो खैर कोई बात नहीं, नहीं जला इंडिकेटर, नहीं जला भाई, क्या ही कर सकते हैं। ये बड़ा आराम से ले जाना पड़ रहा भाई, ज़्यादा लोडिंग तो नहीं है, 31 क्विंटल लोड है। तो भैया लोडिंग करने के बाद मैं पहुंच गया सोनभद्र यानी रावर्ट्सगंज, मतलब लोड करके आया, नहाया धोया खाया पिया आराम से, फिर 7 बजे निकला हूँ, अभी रात के 8 बज रहे हैं और ये मैं रावर्ट्सगंज पहुंच गया हूँ। इधर होटल और ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ से अब चलूँगा, फिर वो बोले हैं 12 बजे तक खाली कर दूँगा, देखते हैं खाली करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके ऊपर है भैया। तो यहाँ से जो है चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से, बने रहिए हमारे साथ। तो भैया रात के जो है वो बज गए हैं 10 बज गए हैं और मैं पहुंच चुका हूँ हाथी नाला टोल पे, और ये हाथी नाला टोल है, यहाँ से मुझे अभी जाने में और दो घंटे लग जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगने ही हैं, तो 2 घंटे लग जाएंगे पर क्या ही कर सकते हैं, अब रात को खाली करना ही है, खाली करके फिर देखेंगे वहाँ सोएंगे, बाकी जैसा होगा। हल्का हल्का नींद आ रहा है मुझे क्योंकि कंटिन्यू मैं जाग ही रहा हूँ जिसकी वजह से नींद आ रहा है। तो यहाँ से टोल कटाते हैं, निकलते हैं और उसके बाद चलेंगे, अनलोड करेंगे, फिर मस्त दबा के सोएंगे भाई पहले, पर क्या सोएंगे, बैठन में मच्छर काटते हैं, पर देखते हैं। तो चलिए, ये तो भाई देखो मैं आ गया हूँ बैठन और अपनी गाड़ी जो है जहाँ पे खाली करना है वहाँ पे लगा दिया हूँ। उबासी आ रही है क्योंकि 2:30 बज गया और ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ही सोया हुआ हूँ। ये है मेरी गाड़ी, ये माल लोड है, ये अपना चादर है, इसी पे जो है मैं सो जाऊँगा। और एक गाड़ी उधर खड़ी है, दिखा रहा हूँ आपको, ये वो रही पीला तिरपाल, ठीक है। और फिर मैं जो है यहाँ पे हूँ जहाँ पे गाड़ी खाली करनी है, इसी जगह पे हूँ, तो इसी के ऊपर अपन सो जाते हैं। अब उठेंगे सुबह, सुबह उठेंगे, अब देखिए सुबह कै बजे ये खाली करते हैं, अब जब खाली करेंगे तो यहाँ से खाली करके देखता हूँ सिस्टम, अगर यहाँ से लोडिंग बन जाएगा तो यहाँ से एक लोडिंग लेके गया था याद होगा आप लोगों को रोला,
तो अगर वो लोडिंग हो जाती है तो मैं बात करूँगा, अगर कंफर्म हो गई तो वही लोड करके चलेंगे, और नहीं हुआ भैया तो फिर अंबिकापुर निकल जाएंगे। तो फिलहाल अभी सोते हैं, अब सुबह मुलाकात होगी आप सभी से। वैसे तो हो गया है गुड वाला मॉर्निंग, बट आप सभी को शुभ रात्रि। तो भाई देखिए, हो गया सुबह और लगा दिया हूँ मैं गाड़ी खाली होने के लिए। ये गाड़ी भाई कर रहे हैं खाली अपना, और ये सारा जो है इनका गोदाम है, यहीं पे अपनी गाड़ी खाली हो रही है। यहाँ से खाली करके मैं निकलूँगा अंबिकापुर, लोडिंग अपना कन्फर्म है तो खाली करते हैं, फिर मिलते हैं। गुरु फाइनली जो है अपनी गाड़ी हो गई खाली, और गाली करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बैठन से, और ये हमारे सेल्फ, और यहाँ से निकल ये मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम है कचनी, बैठन में कचनी ये कोई जगह है, यहीं पे मैं खाली गया हूँ। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, और यहाँ से अब अपने को चलना है अंबिकापुर। तो अभी बैठन सिटी क्रॉस करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि आगे ट्रैफिक पुलिस वाले भी हमें परेशान कर सकते हैं, कन्फर्म नहीं है कि करेंगे ही। तो पहले यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे क्या माहौल है, फिर मिलते हैं आप सभी से। और दोस्तों अब मैं बैठन सिटी में ही हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ से मुझे 400 मीटर आगे से राइट लेना है, और बैठन की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है वो ये है कि बहुत साफ़ सुथरा शहर है। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एकदम साफ शहर है, पूरी तरीके से क्लीन, मतलब एकदम मज़ा आ गया देख के। मुझे लगता है इंदौर के बाद एमपी का दूसरा सबसे अच्छा शहर है, क्योंकि जबलपुर भी गया हूँ, इतना क्लीन नहीं है जितना ये साफ सुथरा है। साफ सफाई में तो बस 200 मीटर से अपने को राइट लेना है, तो पहले राइट लेते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई अभी मैं जो है पहुँच चुका हूँ, कोई जगह है एमपी में ही पड़ता है गोभा, और ये जो है ना मैं लगभग अगले साल बारिश के टाइम जुलाई में जो है लास्ट बारिश रोड से आया था, और उसके बाद अभी आ रहा हूँ। हालांकि बहुत बन भी गया है और आगे नहीं बना हुआ है, जितना बना है उतने दूर तो मज़ा आया, पर इधर बहुत खराब है देख सकते हैं। और ये है इधर का माहौल, और इधर खुलिया, बस वाले को समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती चले आया। तो यहाँ से अब वाटरम नगर की जो दूरी है लगभग हमारे हिसाब से 50 किलोमीटर और है, तो यहाँ से वाटरम नगर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से 80 किलोमीटर अंबिकापुर तो जाना नहीं है, अंबिकापुर के बगल से अपना रास्ता है वहीं पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। तो भैया पहुँच गए फाइनली वाटरम नगर, और अरे बाप रे, सवा घंटा लग गया मुझे लगभग आने में, 1 घंटे 25 मिनट का, 1.5 घंटे पकड़िए, 1.5 घंटे लग गया मुझे आने में यहाँ पे। अब यहाँ से 2 से 2.5 घंटा में मैं अंबिकापुर पहुँचूंगा, तो 3:30-4 बजे मतलब मैं जो है जहाँ मुझे जाना है वहाँ लगभग 4 या 3:30 के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा। ए भाई, तो पहले यहाँ से निकलता हूँ मैं, क्योंकि भैया भूख भी लगी थी तो थोड़ा सा नाश्ता वास्ता लिया था। ये देखिए नाश्ता पड़ा है अपना इधर, और अब यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो भैया वाटरफ नगर के बाद हम पहुँच चुके हैं घाट पिंडारी, और ये है घाट पिंडारी देख सकते हैं। आगे जो है बारिश हो गया था बहुत तेज से, और ये देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई है एकदम, और टर्निंग भी आपको दिखाता हूँ, इतना भयंकर टर्निंग है। ए सबास, ये पिंडारी चढ़ रहे हैं भैया, थक गया यार, मतलब बोलता तो नहीं हूँ वैसे मैं कि थक गया, बट महसूस हो रहा है कि थक गया। ये लोग धूप इतनी है ना कि, और बैठन से चल के फिर यहाँ आना, फिर अभी जाऊँगा लोड करूँगा, फिर ऑन द स्पॉट लोड करना, तुरंत फिर बनारस चले आना। वैसे ठीक भी है, एक दिन लोड करके आ रहा हूँ और फिर उधर से 1-2 दिन आराम करके तब आ रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को वीडियो भी एक दिन गैप में दे रहा हूँ मैं, कि एक दिन वीडियो गैप में जाएगा तो अच्छा है। तो हफ्ते के सिर्फ 3 वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं बस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं।
तो गुरु फाइनली जो है मैं पहुंच चुका हूं कल्याणपुर, और ये है कल्याणपुर का जंगल। यहां पे जो है लटोरी थाना लगता है वो समाप्त हो जाता है, इसके बाद जो है अंबिकापुर शायद लगता है, क्योंकि यहां से अंबिकापुर की दूरी 7 या 8 किलोमीटर है, मुश्किल से ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ से अपने मैं जाऊँगा सरगावा, सरगावा से जो है लेफ्ट मार लूँगा, लेफ्ट मार के जो है निकल जाऊँगा मैं बरियों वाले रोड पे, फिर वहाँ से जो है अपना मुझे जाना है भूल गया यार, जहाँ भी जाना है बताएंगे आगे आपको। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं जहाँ मुझे लोड करने जाना है उधर ग्रामीण रास्तों पे आ गया। ये गांव के रास्ते हैं, छत्तीसगढ़ के खपरेले वाले घर देख सकते हैं, और इधर आने के बाद एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि पूरा एकदम गांव वाला माहौल, और वो भी पुराना जब हम बचपन जीते थे वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि अभी हम वही हैं बचपन वाले जगहों पर, जहाँ पर ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसे गाँव में हम लोग खेला करते थे। हालांकि अब तो आधुनिक चीज़ें हो गई, घर बन गए, घरों में लाइट बिजली बत्ती एसी कूलर क्या क्या लग गया, बट खैर इन घरों का अपना ही अलग मज़ा है। तो चलिए यहां से चलते हैं लोडिंग पॉइंट पे, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई अंबिकापुर जो है, मैं बोल रहा हूं अंबिकापुर जहां पे लोड करना है, लोडिंग पॉइंट पे पहुँच गया हूं, और उसके बाद जो है मेरी गाड़ी का जो है थोड़ा सा फ़िल्टर विल्टर साफ़ करना है, ये फ़िल्टर साफ़ कर लेता हूँ, और जो है कूलेंट वुलेंट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि घर से निकल गया था ऐसे ही, तो सब करते हैं। तो पहले बाहर निकलते हैं करते हैं। तो कूलेंट वुलेंट अपन देखिए चेक कर रहे हैं, गाड़ी का ये सब खोल दिया हूँ, मतलब बोनट वोनट उठा दिया हूँ, और इसका जो है अभी एयर फिल्टर से सब एयर फिल्टर से धूल वूल निकालना है, साफ़ करना है। उसके बाद जो है ये यहाँ का है माहौल, और भी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं लोडिंग के लिए, मतलब ये कंचन भाई हैं पबजी खेल रहे हैं भैया आराम से। ठीक है, तो अपन साफ आप करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से, क्योंकि लोडिंग में अभी टाइम है। यहाँ बैठे बैठे मेरे को अभी 4:30 बज गया, अभी तक कोई आया नहीं है, देखते हैं कब तक आता है, लेके जाएगा यहाँ से जो है गाड़ी को लोडिंग पे। बड़ी समस्या है यार, मैं सब गाड़ियाँ चली जाती हैं, मेरे को ये लोग सबसे लास्ट में छोड़ते हैं, फिर मैं अपना अकेले धीरे धीरे जाता हूँ। ठीक है, और क्या ही कर सकता हूँ, तो देखते हैं कब तक आता है। ऐसे ही अभी सुबह से सिर्फ समोसे खाया हूँ और कुछ खाया नहीं हूँ, भूख भी लगी है, भूख ही दाल चावल की भूख लगी है, समोसे की नहीं। समोसा तो खाया हूँ, अभी बचा भी है, खाना नहीं है, ये सब कितना खाऊँगा। और उसके बाद जो है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को जो है यहीं एंड करेंगे। और भाड़ा है जो बता देता हूँ आपको, बनारस से, अरे बनारस से कहाँ लोड किया था, उतने अपने घर के पास से लोड किया था ना, तो वहाँ से जो बैढ़न का भाड़ा लगा था वो मुझे लगा था 6,000 रुपये, और क्या बोलते हैं दूरी जो थी वो थी 180 के आसपास। तो गाड़ी वाड़ी खाली करके अब यहाँ आ गए, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाइए फॉलो करिए। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।